चलो आज की शाम बाबा के साथ कैसे बाबा हमें कैसे डॉक्टर के रूप में मदद करता है उसका ज्ञान हम वैसे ज्ञान तो है ही लेकिन इस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक तो आई थिंक सबको मालूम ही है, बी योर ओन हेल्थ एक्सपर्ट। तो हम अपने आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। हेल्थ एक्सपर्ट वैसे हेल्थ एक्सपर्ट को नॉर्मली हम डॉक्टर बुलाते हैं, सही? तो डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमारे से एब्सोल्युटली कोई काम ना हो सके, हम शायद बेड में ही सोते रहे ऐसा फील हो, जब सारी होम रेमेडीज के उपाय करते हम थक जाते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर थक जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हाँ मैं रियली सिक हूँ, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं उसका मतलब ये तो है कि हम सिक नहीं थे। जब हमारे बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी हैं? जब मेरे मन के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, मेरी जो फीलिंग्स है वो इधर उधर भाग रही है, कहीं पे मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, ऐसी तैसी जो मन की अवस्था होती है, तो क्या हम इसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, राइट? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हेल्दी है। अगर ऐसा बार बार होता है, होता ही रहता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये सारी एक बीमारी ही है, ये हेल्दी बने का लक्षण नहीं है। तो चलो अब हम देखते हैं कि तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? बहुत सारी होलिस्टिक मेडिसिनल सिम्टम्स सिस्टम्स है, उनको आमतौर पे अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम अलग है और ये सारी जो पैथी है वो अलग है। और एक सारे वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो देखते हैं कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है। ये भी बताता है कि हेल्थ एक स्टेट ऑफ बीइंग है, लाइक पूरा कंप्लीट पैकेज है, जब हमारी शरीर की, मन की, सोशली, ये शरीर, मन और सोशल वेलबींग बताते हैं ये लोग। वहाँ पे इन तीनों एस्पेक्ट में जब हमारे कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है, और तभी बता सकते हैं कि हम डिसीज से फ्री है। देखो यहाँ पे सिक वर्ड नहीं यूज किया है, डिसीज वर्ड यूज किया है, तो ये भी हमें नोट करना चाहिए। फिर आयुर्वेदा, सबसे पुरानी मेडिसिनल सिस्टम जो है, आयुर्वेदा ने क्या डिफाइन किया है? आयुर्वेदा के हिसाब से जो दोषाज होते हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, हर एक दोषा के गुण बैलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। फिर फायर ऑफ डाइजेशन, अग्नि शरीर में चाहिए वो ठीक से चलनी चाहिए, सभी एक्सक्रीशंस जो होते हैं वो भी परफेक्ट चलने चाहिए। माइंड और सोल, आयुर्वेदा तो माइंड और सोल और सेंसेस सभी का बैलेंस और ब्लीसफुल जब रहते हैं तभी उसको हेल्थ बताते हैं। इतना डिटेल ओरिएंटेड है ना ये सब हेल्थ का डेफिनेशंस। फिर योगा है एक, वो भी पुरानी होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम ही बता बता सकते हैं हम। वो भी बताते हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल माने कि ऑक्यूपेशनल, वो भी एक हेल्दी होना चाहिए, कहीं पे भी अति नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमारा मॉरल, इमोशंस, स्पिरिचुअल डायमेंशन, सब 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 ठीक से है तभी उसको हेल्थ बोलते हैं। और एक पैथी है होम्योपैथी, वो भी एक होलिस्टिक मेडिसिनल सिस्टम है, तो वो भी, उनकी भी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो भी
इस कुछ इसी तरह की है कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, ये जो सिस्टम है होम्योपैथी, उसमें तो एक बढ़ के और भी एक चीज बताई गई है कि डिजीजेस जो है वो एक, मतलब कि रोग शक्ति, रोग को भी एक शक्ति बोल दे हम, कोई रोग का नाम नहीं लेकिन ओवरऑल एक डिजीज पावर, तो वो एक डायनामिक है जो हमें दिख नहीं रहा है। डायनामिक माने कि जिसको हम देख नहीं पाए, जिसका स्टडी ना कर पाए, और वो हमारा जो हारमोनी से सब कुछ चलता है उसमें डिस्टरबेंस लाता है, और तभी जो ये मटेरियल बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी, और होम्योपैथी के मुताबिक जो बॉडी है उसको स्टिम्युलेट करता है एक वाइटल फोर्स। कुछ कुछ बहुत सिमिलैरिटी महसूस हो रही है, राइट? तो ये वाइटल फोर्स जब डिजीज फोर्स से अफेक्ट होता है, तभी हेल्थ का जो स्टेट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर के इस स्टेज पे किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है कि अब हमारी बॉडी में हेल्थ का स्टेट डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम इतने एक्सटर्नल चीजों में इतने मशगूल है कि ये छोटी छोटी बारीकियां जो होती है इसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो चलो देखते हैं कि हेल्थी और क्वालिटी लाइफ के पैरामीटर्स क्या है। उसके तीन पहलू है, एक तो है हेल्थी माइंड, दूसरा है हेल्थी बॉडी। हेल्दी माइंड ऐसा जो क्वालिटी एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करे, एकदम श्रेष्ठ संकल्प पैदा कर सके, वो ऐसा हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी ऐसा बॉडी कि जिसके अंदर कोई पेन ना हो, सारे फंक्शंस, फिजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, फंक्शंस सब कुछ ठीक से चलता हो, और हेल्दी सोल और स्पिरिट जो कंप्लीटली लाइट, ब्लिसफुल और फ्री से उड़ान कर सके। ऐसा सोल जब ये तीन बातों का संगम होता है, तभी एक शरीर कंप्लीट हेल्दी कहा जाता है। पहले आता है माइंड। तो जो हेल्दी माइंड है वो क्या, ऐसा माइंड जो है जो जॉय को अनुभव, आनंद, खुशी अनुभव कर सकता है, बढ़िया बढ़िया श्रेष्ठ थॉट्स क्रिएट कर सकता है, और जब हमारी कर्मेंद्रिया, जो पांच कर्मेंद्रिया है, सेंसेस है, हमारे इंटरेस्ट, हमारी बाहर के विषयों की रुचि, ये सारा जब मिक्स होता है, तो जैसे हम इमेजिन करेंगे कि माइंड कहाँ पे है, हमारे सिर पे है, राइट? तो सिर के अंदर, तो सिर के अंदर जैसे जैसे कि ये चित्र में देख रहे हैं, एक सुंदर सा तालाब है, छोटा सा पॉन्ड है, और इसके सेंटर में माइंड है। तो जो बाहर के फोर्सेस होते हैं, तो वो बाहर से इंपैक्ट करते हैं, तो ऐसे वेव्स क्रिएट होते हैं। तो जब ये जो वेव्स हैं वो पेरिफेरी से अंदर तक आते हैं, तो सेंटर में जो मन है, माइंड है, उसकी ओर। तो हेल्दी माइंड क्या करेगा कि हेल्दी माइंड डिसेंगेज करेगा, डिटैच होगा, ये बाहर की जो अनवांटेड स्टिम्यूलेंस आ रही है जिससे माइंड के तालाब में वेव्स क्रिएट होते हैं, उससे डिसेंगेज करके फिर बीच में आराम से स्टेडी बैठा रहेगा। तो ऐसा जो हेल्दी माइंड है वो सोल का, आत्मा का रिफ्लेक्शन है। हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी बॉडी ऐसी कि जो पेन फ्री हो और फ्रीडम फील करे, कहीं पे भी टाइट ना फील करे, और ऐसी बॉडी कैसे आ सकती है? तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है बैलेंस डाइट, फिर एक्सरसाइज भी इतनी ही जरूरी है, क्वालिटी स्लीप चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा आसना एंड प्राणायामा,
ये जो सारे नॉर्मल कहा जाता है कि सबके जहन में आ जाएगा कि हाँ ये सब तो चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए, राइट? और एक पहलू है जो स्पिरिचुअल पहलू है कि हम कर्म योगा करें। जब हम कुछ काम करते हैं तो हम हमारा जो काम को जो भी करते हैं वो आत्मिकता आत्मिक भाव से करें, जैसे कि ये शरीर से नहीं कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर जो सोल है उसके भाव में रहकर करें। तो क्या होता है कि हमारी जो हम करते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे ये करना है, अभी तो इतना सारा बाकी है, ये जो बॉडीली थॉट्स है वो नहीं आते हैं, तो हमें थकान नहीं महसूस होती है। और जब थकान नहीं महसूस होती है तो शरीर बहुत सारा कुछ काम कर सकता है और वो हेल्दी भी रहता है। एक बात और भी है कि ये जो शरीर है वो हम सब जानते हैं कि वो पांच प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है, तो हम ऐसा डाइट भी खाएं कि जो प्रकृति से नजदीक का हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। आगे हम और डिटेल में देखेंगे। ये सब ये ब्रीफ है कि हेल्दी माइंड और सोल कैसे होते हैं। तो हेल्दी सोल क्या है? तो सोल हेल्दी तब कहा जाता है तब जब वो एकदम आनंद में रहे और जब चाहे जहां चाहे दिल से उड़ जाए, मन से उड़ जाए और अपना मजा ले। ऐसा जो आत्मा है, सो हम आत्मा ही कहेंगे, तो वो तब रहेगा जब बॉडी और माइंड एकदम हेल्दी है और बॉडी और माइंड का जो रिलेशन है, सब कुछ इंटरेक्शन है, वो हार्मनी से चले, तभी ऐसे शरीर और माइंड में जो सोल रहता है वो हेल्दी सोल, हैप्पी ब्लीसफुल सोल बन जाता है। तो कुछ ऐसे भी है कि सोल कब हैप्पीनेस फील, कभी कभी हमें लगता है ना कि आज मैंने ये किया, आज मैं इनसे मिली तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ और तरीके का अनुभव आता है तो वो खुशी चली जाती है, तो वो आत्मा की खुशी टेम्पररी बन जाती है। लेकिन अगर हम ऐसी सच्ची कंपनी में रहे, ट्रू कंपेनियन हमारे पास, मन के पास बहुत ही अच्छा बढ़िया ट्रूथ का नॉलेज हो, एक ऐसा साथी हो जो हमारा फ्रेंड भी बन सके, हमारा गाइड भी बन सके, हमारा माता बन सके, पिता बन सके, सब कुछ बन सके, क्या ये पॉसिबल है? देखेंगे हम कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसा साथी जब मिलता है तो आत्मा सच्ची में ब्लीसफुल रहती है। तो चलो अब हम थोड़ी डिटेल देखते हैं माइंड के बारे में। तो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। कोई बार हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जो माइंड है वो मेटाफिजिकल है, इसको टच नहीं किया जाता, इसका कोई शेप नहीं है, बॉडी नहीं है, उसकी कोई वेट नहीं है। और जो ब्रेन है वो एक फिजिकल ऑर्गन है बॉडी में, इसका शेप है, बॉडी है, उसको हाथ में ले सकते हैं। और तो ये दोनों का कनेक्शन क्या है? जैसे कंप्यूटर तो हम सब आजकल यूज करते हैं, सेलफोन भी, इतने स्मार्टफोन सब है, तो क्या है? फोन एक ये है, एक हार्डवेयर है, एक फिजिकल थिंग है, लैपटॉप एक फिजिकल थिंग है। जब तक ये फोन या लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाता, ये कुछ काम के नहीं होते हैं। तो माइंड एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? तो माइंड जो है वो एक मेटाफिजिकल चीज है जो एनर्जी क्रिएट करती है, ये एनर्जी जनरेट करती है, ये थॉट्स क्रिएट करती है, इसको फील होता है, इसकी पसंद ना पसंद है,
इसको इस यू वो लाइवलीनेस फील कर सकता है, वो सैड फील कर सकता है, डिप्रेस फील कर सकता है. तो ये माइंड है. और माइंड और बॉडी, ब्रेन का जो कनेक्शन है कि ब्रेन एक फिजिकल थिंग है, जब माइंड ये सारे इमोशंस क्रिएट करता है, थॉट्स क्रिएट करता है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक्चुअली चेंजेस आते हैं. जैसे जिस प्रकार की एनर्जी माइंड क्रिएट करता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो ये है माइंड और ब्रेन का रिलेशन. तो जो केमिकल जो रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर, तो वो तो वैसे ब्रेन में भी होते हैं हार्मोनल ग्लैंड्स, उसको हम हार्मोन बोलेंगे. तो हार्मोनल ग्लैंड्स तो सारे पूरे शरीर में जगह जगह पे है ही, इसकी रचना ऐसी ही है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्रेन के अंदर रिलीज होते ये हॉर्मोन्स. इसमें हम आज जानेंगे जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैप्पी केमिकल्स, जिसके रिलीज होने से हमें हमारा मूड बूस्ट होता है, आनंद अनुभव होता है, बस एक डिप्रेशन नहीं होता है, फील गुड करते हैं, पेन्स चले जाते हैं, प्यार का अनुभव होता है. ऐसी ऐसी क्वालिटीज है ये हॉर्मोन्स की. तो ये मुख्य चार प्रकार के हैं. तो पहले तो है डोपामाइन बोलते हैं एक, ये जो है फील गुड हार्मोन. इसको ये जब रिलीज होता है तो हमें एक प्लेजर सी फीलिंग होती है. इसके साथ साथ ये हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है. इसके रिलीज होने से अच्छी नींद आती है. ये हम जब एक्सरसाइज करते हैं तभी ये रिलीज हो सकता है. ये रिलीज होने से हमें एक्टिविटीज करने का मन भी करता है. और ये रिलीज कैसे हो सकता है? इन बॉल पार्क वी कैन से एक्सरसाइज करने से, बहुत सारा प्रोटीन वाला फूड खाने से, और जो दूध घी वाली जो चीज वाली फैट है वो कम खाने से, म्यूजिक सुनने से, फिर बाहर सन में जाते हैं तभी ये रिलीज होता है. ओवरऑल जब एक बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल होती है तो ये डोपामाइन रिलीज बारी बारी से होती रहती है. एक और हार्मोन है सेरेटोनिन. सेरेटोनिन जो है वो है हमारी वो उससे हमारी स्लीप रेगुलेट होती है, हमारी जो भूख है, डाइजेशन है, लर्निंग एबिलिटीज है, याद शक्ति है, ये सारा इससे इम्प्रूव होता है या मेंटेन होता है. ये भी हेल्दी डाइट ओवरऑल सेम थिंग, लेकिन इस ये नट्स, प्रोटीन वाले स्पेशली नट्स, टोफू, बनाना और पाइनएप्पल में ऐसे गुण है कि ये सेरोटोनिन बढ़ा सकता है. अब मैं एक फैक्टर या जो सब में कॉमन है मैं बोल नहीं रही हूँ. अगर कोई मेरे साथ स्लाइड पढ़ रहा है तो उनको पता चल गया होगा कि मैंने एक चीज जो है वो मेंशन नहीं की है, और वो एकदम खूबसूरत बढ़िया सी चीज है कि ये सारे हॉर्मोन्स वो करने से बहुत, जैसे कि ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल्स के फवारे उड़ते हैं, इस तरह से इसको बढ़ाते हैं. आगे देखते हैं कि और दूसरे दो जो है वो क्या है. एक तो है एंडोर्फिन्स. ये वाले जो है वो एक्चुअली ये नेचुरल पेन किलर है. बहुत सारों ने अनुभव किया होगा कि कुछ दर्द करता है, मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि नहीं आज तो मेरे पैर दुख रहे हैं, आज मेरा ये जॉइंट पेन कर रहा है, तो मैं चलूंगी नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी आज. लेकिन फिर भी हम जब करने लगते हैं तो आश्चर्यवत सारा दर्द चला जाता है. तो क्या वो दर्द जो हो रहा था वो फेक था? नहीं,
वो जो दर्द था एक्सरसाइज करने से शरीर को कुछ श्रम महसूस हुए, ऐसी एक्टिविटी करने से ये एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो पेन है वो चला जाता है, वो नेचुरल पेन किलर है। ये एक्टिविटीज लाइक रनिंग, डांसिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग करने से, गार्डनिंग करने से, हल्की सी जो भी अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जब हमें फील हुए कि हाँ शरीर से काम लिया, तब ये रिलीज होते हैं। और एक बढ़िया सा हैप्पी केमिकल है ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो जब रिलीज होता है इसके रिलीज होने से हमारी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, रिलेशनशिप है, ये सारी इम्प्रूव होती है। तो हमें एक दूसरे के प्यार की वार्मथ का अनुभव होता है। जब ये लैकिंग होता है ना तो ये प्यार अनुभव नहीं होता है हमें, तो ये कैसे रिलीज होगा? वो योगा करने से। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम अपने साथ करते हैं, हमारे शरीर के साथ करते हैं, हमारे मन और शरीर के साथ हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ये रिलेशनशिप बॉन्डिंग जब होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर म्यूजिक सुनने से, मसाज, मसाज अगर हम अपने आप को भी मसाज करें या किसी और को भी मसाज करें तो भी ये रिलीज होता है। अभी देखेंगे कि ये सारे हॉर्मोन्स जो है तो कॉमन एक फैक्टर है जो सब हॉर्मोन्स रिलीज करता है। मेडिटेटिंग, मेडिटेशन, मेडिटेशन, राइट? तो मेडिटेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे फिर कि उसका असर हमें क्या मिलता है। वो अभी देखेंगे हम डिटेल में। ये जो हैप्पी केमिकल्स के बारे में हमने लर्न किया, बहुत ही बढ़िया केमिकल है ये शरीर में। अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन जीवन ही नहीं रहता है। और सबसे जब पूरा हम पढ़ेंगे, जानेंगे आज, तो पता चलेगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैप्पी केमिकल्स हॉर्मोन्स है। तो ब्रेन हेल्थ, सबसे पहले हम जो देखेंगे कि ब्रेन, क्योंकि मन का काम ब्रेन से ही होता है, तो ब्रेन का हेल्थ कैसे? तो ऑफ कोर्स ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, तो उसकी हेल्थ फिजिकल थिंग्स से ही होगी। तो बढ़िया बढ़िया खाना जैसे कि प्रोटीन रिच, ओमेगा 3 फैट्स, दूध दही वाली फैट नहीं लेकिन नट्स में से मिलती, एवोकेडोज, ये सारे सुपर फूड कहा जाता है इनको। इनमें से जो फैट मिलती है मोनो अनसेचुरेटेड फैट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कई फ्रूट्स होते हैं। तो इसमें ब्रेन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जैसे कि नेमली अगर हम देखें तो ब्लूबेरीज होती है, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, ऐसे जैसे डीप कलर की सारी जो बेरीज होती है उसमें ब्रेन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है। हल्दी, हमारी जो हल्दी है वो हमारे इंडियन मील्स में तो हल्दी पड़ती ही है, सब्जी दाल सब में। तो ऐसा नहीं है कि अब हम कल से चम्मच भर भर के हल्दी पीने लगे, खाने लगे, राइट? नहीं, इसका मतलब ये है कि खाना ऐसा बनाए कि जिसमें हम हल्दी डाल सके। तो अक्सर हमारे घरों में हम देखें तो इंडियन खाना, हमारा देसी फूड जो है वो हफ्ते में एक दो बार ही बनता है, बाकी सारे हम मैक्सिकन, इटालियन, ये सब ऐसा खाना जब खाते हैं तो हमें हल्दी या हमारे इंडियन कोई भी हर्ब्स स्पाइस खाने का मौका नहीं मिलता है, और जो बहुत ही गुणवत्ता वाले होते हैं। तो ऐसा हल्दी वाला खाना, ये हल्दी ब्रेन में नए सेल ग्रो करने में मदद करती है। फिर ब्रोकली बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल है, पम्पकिन सीड्स है, डार्क चॉकलेट है, नट्स है,
ऑरेंजेस और कोई भी ऐसा फ्रूट या सब्जी जिसमें हाई विटामिन सी हो, वो खाने से ब्रेन का जो ब्रेन डैमेज से हमें ब्रेन डैमेज नहीं होता है, और जो ब्रेन में फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे कैंसर वगैरह ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारीज होने की शक्यता होती है, उसको नष्ट करता है विटामिन सी। तो ये तो हमने जाना कि क्या क्या खाने से बूस्ट होती है ब्रेन हेल्थ, लेकिन इसके साथ ये भी एक थोड़ा जान ले कि शुगरी ड्रिंक्स, सोडाज, ये सब रिफाइंड कार्ब्स, ट्रांस फैट वाला फूड, चिप्स, ये वो जो भी है, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, सारे जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं मार्केट में, पैक फूड मिलते हैं, पैक टीन, ये सारे फ्रोजन फूड, रेडी फ्रोजन मील्स, ये सारे हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये ब्रेन हेल्थ के लिए डैमेजिंग है। आर्टिफिशियल शुगर, और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हम सब यहाँ बहुत ही सात्विक तरीके के सब साथ में है, तो अल्कोहल शायद कोई पीता होगा, लेकिन वो भी एक ब्रेन डैमेजिंग है जब अति में हो जाता है। तो अब देखते हैं कि वो था ब्रेन, अभी हेल्दी माइंड। तो माइंड और मन, मन जो है कहते हैं एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा, एग्जैक्ट तो इट्स हार्ड टू से, लेकिन ऐसा रिसर्चेस हुए हैं कि इतने सारे थॉट्स क्रिएट करता है। जैसे कि तो इतने सारे थॉट्स एक दिन में, मुझे तो लगता है कि जैसे कि ये विचारों का जैसे बड़ा सा दरिया हो गया, सागर हो गया, और एक के बाद एक बस आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और जाते हैं कहाँ, वापस अंदर अंदर एक दो में मिक्स होते, कॉम्प्लेक्स होके चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और जब ये बहुत सारा चलता है तो क्या हमने आगे पहले समझा कि जब मन में थॉट्स आते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, उसके हिसाब से ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है, एनर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो नेगेटिविटी अनुभव कराते हैं। तो इसको क्या करें, इतने सारे थॉट्स का हम क्या करें, इसको हमें चैनलाइज करना पड़ता है, इसको हार्मोनाइज करना पड़ता है। तो एक ही टेक्निक है जिससे ये इतने सारे थॉट्स, इसको हम चैनलाइज कर सके, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे बहुत सारे टाइप्स के आजकल इंटरनेट पे ढूंढे तो ये मेडिटेशन वो ये बहुत सारे मेडिटेशन मिलेंगे, जप मेडिटेशन, लेकिन द बेस्ट मेडिटेशन इज राजा योगा मेडिटेशन। मेडिटेशन इन जनरल क्या करता है, और राजा योगा मेडिटेशन स्पेशली, ये एक प्रोसेस हमें सिखाता है कि ये जो फिजिकल बॉडी है और हमारी इंटरनल जो शक्ति है, दोनों को सेपरेट करने की जो विधि है, वो मेडिटेशन हमें सिखाता है। तो ये शरीर और इसको चलाने वाली, इसको स्टिम्युलेट करने वाला जो वाइटल फोर्स, जो होम्योपैथी की डेफिनेशन में हमें देखा था, और ये आत्मा, सेम थिंग, तो उसको सेपरेट कैसे करें, वो राजा योगा मेडिटेशन सिखाता है। और जब हम ये टेक्निक्स अपनाते हैं तो हमारे थॉट्स, हमारे संकल्प ऐसे हार्मोनाइज होते हैं, और जब ऐसे हार्मोनाइज होते हैं तो क्या होता है, अच्छा अच्छा थॉट्स देता है मन, तो ब्रेन क्या करेगा, क्या करेगा, हैप्पीनेस के फवारे उड़ाएगा, राइट।
तो वो हमारे मूड अपलिफ्ट करेगा, एनर्जी भर देगा, हमारे शरीर के पेन्स सारे गायब कर देगा, पूरा जो शरीर है वो एकदम हल्का महसूस होता है। तो आगे देखेंगे कि हेल्दी बॉडी क्या है। हेल्दी बॉडी माना जाता है इन जनरल कि जो शरीर पेन फ्री है वो हेल्दी बॉडी है। हम उसमें थोड़ा ऐड करें कि उसके सारे अंदरूनी प्रक्रियाओं जो है वो सही तरीके से चले, एक मूवमेंट सारी फ्री फ्लोइंग हो, सारे एक्सक्रीशंस प्रॉपरली हो, ऐसी बॉडी हेल्दी बॉडी। और मन की तरह हेल्दी बॉडी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलेशंस जो आते हैं, जैसे कि ऋतु बदली, बारिश में भीग गए, बहुत एसी की हवा ले ली, पंखे के नीचे बैठ गए, ऐसी तैसी जो बातें होती है उससे अनअफेक्टेड रहे। इतनी छोटे छोटे एक्सटर्नल स्टिम्युलेंट से बीमार जो हो जाते हैं वो हेल्दी बॉडी नहीं कही जाती। तो हेल्दी बॉडी के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट, डाइट कैसा कि जिसमें सारे टेस्ट हो, जो भी रसा स्वाद डिफाइन किए किए गए हैं, जितने भी जो एक मील हम खाते हैं उसमें वो सारे हो, तो वो बैलेंस फूड कहा जाता है। और मेनली जो वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में भी जो जिंदा फूड है, इसको लाइव अलाइव फूड बोल सकते हैं हम, वो सबसे उत्तम फूड होता है। तो जैसे कि हमारी एक मील की जो प्लेट है खाने की, उसमें हाफ प्लेट सिर्फ रॉ फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट से भरी हो, और बाकी के सारे में थोड़ा थोड़ा हम जो भी है वो ले सकते हैं। सात्विक फूड, राजसिक और तामसिक फूड हमें इनर्शिया, स्लोनेस और हैवीनेस क्रिएट करेगा, जो हमें जमीन जमीन पे नीचे भूल करेगा, हैवीनेस फील कराएगा। तो खाना ऐसा हो जैसे कि आजकल हमारी हाई ब्रांड कार्स होती है, राइट? तो उसके अंदर हम स्पेशल फ्यूल भराते हैं, राइट? कि इतने ऑक्टेन ये वो, क्यों? क्योंकि इसकी हाई हैवी मशीनरी में ऐसा फ्यूल बढ़िया रहता है जो सबसे जल्दी फास्ट एनर्जी क्रिएट करे। तो बिल्कुल उसी तरह हमारी ये सबसे बढ़िया मशीनरी है, जो ये हमारी शरीर रूपी कार है, नंबर वन ए ग्रेड, उसके लिए भी हमें ऐसा ही सबसे जल्दी से जो उसके फ्लेमिश फ्लेमेबल पॉइंट पे पहुंचे, मतलब कि जो तो डाइजेशन फायर है उसमें टच होके जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा फूड। तो ऐसा फूड क्या है? ये फ्रूट्स है और फिर वेजिटेबल्स आते हैं। तो ये फूड हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया है। फिर बॉडी हमारे बॉडी जो है वो प्रकृति के पांच तत्वों से बनी हुई है। तो नेचुरली बाहर प्रकृति में जाते हुए जाएंगे तो हमें इसीलिए हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो ये फिजिकल बॉडी है वो बाहर की प्रकृति से मैच करती है, ये एक दूसरे को जानते हैं, तो ये ब्लीस में आ जाती है। दैट्स व्हाई जब भी हम बाहर चल के आते हैं, घूम के आते हैं, कभी घर में ऐसे बोरिंग फील होता है तो ऐसे सोचते कि चलो बाहर एक चक्कर लगा के आ जाए, और फिर जब जाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया खुशी का अनुभव होता है। तो ये है। फिर अगर किसी का डाइट बिल्कुल फॉल्टी है, खा नहीं सकते हैं ठीक से, अगर ऐसी है तो हेल्दी बॉडी बनाने के लिए वो क्या करेंगे? तो हम ऐसी जरूरत पड़ने पे सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि खान पान अगर सही नहीं है तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जब सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो कोई अच्छा सा प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसके सुपरविजन के अंदर हम ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज,
जिसके शरीर से जो भी टाइप की एक्सरसाइज हो पाती है ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक बढ़िया सी एक्सरसाइज वो भी है कि योगा। वो योगा भी एक राउंडिंग, ओवरऑल राउंडिंग एक्सरसाइज है, तो वो हम देखेंगे बाद में आगे आए। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज सिस्टम है, हम ऐसे सिस्टम ही बताएंगे क्योंकि वो एक चीज नहीं है। इससे हम देख सकते हैं कि कितने सारे फायदे हैं। स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट पेन्स, जो छोटे छोटे जॉइंट्स उंगली के, ये सब इसके भी जो पेन्स होते हैं, सारे जॉइंट्स का जो पेन योगा करने से रिलीव हो जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, बैलेंस इंप्रूव करता है, रिलैक्सेशन, नींद सही आती है, इस शरीर और मन बहुत एनर्जी और हमारा मूड ब्राइट हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और हार्मोन्स भी बैलेंस करता है। ये पहले भी हमने बताया कि योगा जब हम करते हैं तो हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन बढ़ता है। जैसे कि योगा में अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, किसी को सुन के करते हैं, तो बोलते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट लेग ऑल्टरनेटिवली, ये इंस्ट्रक्शंस आती रहती है साइड्स चेंज करने की, तो माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क करता है। तो ये माइंड बॉडी एक्सरसाइज है, माइंड को भी इसमें पॉजिटिव स्टिम्युलेंट्स मिलते जाते हैं सही थिंग्स करने का। और जब माइंड सही थॉट्स करता है तो अच्छे अच्छे केमिकल्स के फवारे निकलते हैं। तो ऐसे ऐसे योगा के बहुत सारे फायदे हैं। और जो मेन जो है, योगा एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो शरीर में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि वो कहा जाता है कि हमारे पूरे बीइंग में रेस्ट एंड डाइजेस्ट की अनुभूति क्रिएट करती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज वो ऐसी अनुभूति है कि शरीर के एक एक सेल्स जो होते हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो योगा से ये अनुभव होता है, ये परिस्थिति बनती है। तो बहुत सारे डिसीजेस, इंफ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन्स, हाई कोलेस्टेरॉल, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये सारे एक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस की कैटेगरी में आते हैं। वो सारे टाइप की डिसीज में योगा करने से हमें आराम मिलता है। तो सही मायने में योगा एक माइंड बॉडी एक्सरसाइज है। तो ये तो हमने सब देखा कि साइंस क्या कहता है, साइंस की बातें हमने अब तक जानी। अब हम कुछ अलग बातें करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बात करें कुछ, क्योंकि आज हम यहाँ साथ में है ही इसीलिए कि कुछ अलग सीखें। ये सारी बातें जो अब तक बताई वो तो कहीं से भी कोई जान सकता है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी है एक अजीब सी बात है, और वो भी अगर हम सही मायने में सही जगह पे कनेक्शन करें। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत सारे प्लेसेस है आजकल, लेकिन अनुभव में हमें भी आया है, हम भी बहुत स्पिरिचुअलिटी के ऑर्गेनाइजेशन, तरह तरह के मेडिटेशन करके आए हैं, और फिर ये वाला जो है वो हमें बहुत पसंद आ गया और इसके फायदे भी बहुत महसूस किए हमने। तो ये है राजा योगा मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन में हम स्पेशली, इसकी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि अलग दूसरे मेडिटेशन से डिफरेंट यहाँ पे ये है कि ये एक रिलेशनशिप वाला मेडिटेशन है। दूसरे मेडिटेशन में हम
छोड़ने की बातें करते हैं, विचारों को छोड़ो, डिटैच फील करो, एक ही मोमबत्ती को देखते रहो, एक ही बात को, एक ही मंत्र को रटते रहो। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये, और ये ट्रीटमेंट देने वाला कौन है, ये भी है एक सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी शिवा, जो निराकार है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उसने, उसके साथ अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं, उसकी दी हुई ज्ञान को फॉलो करते हैं, बहुत सारे बेस्ट नॉलेज, बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, तरीके दिए हैं कि ये जो हमने देखा कि इतने सारे थॉट्स का जो सागर बनता है ब्रेन के अंदर, तो ऐसा इतने सारे जो पूरा सागर लेके घूमे तो हमें हैवी हेड फील तो करना ही है ऑफ कोर्स, राइट? तो इसको कैसे दूर करें, तो इसका तरीका बताया है सुप्रीम फादर परमात्मा ने, बताया कि थॉट्स को पहचानो, थॉट्स की क्वालिटी को पहचानना हमें सिखाया, नेगेटिव थॉट्स, सकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक थॉट्स और वेस्ट के थॉट्स, व्यर्थ के थॉट्स। तो जैसे ये जो काम करना है हमें, तो उसको बोलते हैं कि विचार सागर मंथन। तो ये जो विचार सागर मंथन करते हैं हम, उसमें क्या करना है, सब चीजों से अलग, सबसे अलग अपने आप के साथ बैठना है। और फिर जैसे कि हमने पहले एक एनालॉजी दी थी कि माइंड के अंदर एक तालाब है, इसके अंदर हम वेव्स देख रहे हैं, हमें लिटरली देखना है कि ये हो रहा है, और फिर वेव्स इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाता है ये, इतने सारे थॉट्स आने से जैसे कि उबल रहा है वहां पे, तो हमें देखना है कि कौन सा वाला थॉट नेगेटिव है, तो उसको, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ते देखते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे पेरिफेरी में चला जाएगा। फिर और कोई आएगा कि जिसकी जरूरत नहीं है हमें, ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं हमें दिन भर में कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई यूज भी नहीं होता है, वो वेस्ट थॉट्स कहते हैं, तो वो भी हम जाने देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे बीच में जो रह जाएगा वो रहेगा सिर्फ बेस्ड थॉट्स, द पॉजिटिव थॉट्स, और जो है वो है जैसे कि हम बटर मिल्क को चर्न करके बटर निकालते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है, अगर कोई मेथड के फॉलो किए बिना ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो कोई बटर निकलने वाला है नहीं। तो इसी तरह से परमात्मा ने हमें हमारे मन के अंदर रहे ये विचार सागर का मंथन कैसे किया जाए, उसका एक बढ़िया सा तरीका बनाया है, बताया है। साइंस ने क्या बताया कि नेचुरल वेज जो है, नेचुरल तरीके, ये जो हैप्पीनेस के फवारे कैसे नेचुरली होते रहे, तो उसके लिए साइंस ने बताया एक्सरसाइज करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, गोल अचीव करो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाना खाओ, ग्रैटिट्यूड दिखाओ और हैप्पी मेमोरीज को याद करो। ये सारे जो पहलू है वो हम देखेंगे कि कैसे परमात्मा ने हमें ये सेम कैसे बताया है, और परमात्मा ने हमें एक डेली रूटीन भी दिया हुआ है, डेली रूटीन, ऐसा रूटीन जो अगर हम फॉलो करें तो पूरे शरीर की, ना सिर्फ ब्रेन की लेकिन पूरे शरीर में रही सारी हार्मोनल ग्लैंड्स अपना फंक्शन इतना बढ़िया करेगी कि शरीर भी हेल्दी, मन भी हेल्दी, और फिर आत्मा भी ब्लिसफुल हो जाता है। तो ये जो रूटीन है वो एक खास रूटीन है, वो कैसा है, सारी दिनचर्या को, कोई भी अपनी दिनचर्या अगर सेट करे
तो कैसे करेंगे? सुबह उठ के पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ये दिनचर्या रात को शुरू करते हैं। रात से शुरू होती है, जैसे कि ये साइंस के पहलू में दिखाया है कि गोल अचीवमेंट। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि हर रात को सोते समय पहले अपने गोल अचीवमेंट काउंट करो, अपना चार्ट देखो, चार्ट को मिलाओ, क्या मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। रात को सोते समय जब हम चार्ट बनाते हैं और चार्ट पूरा यस 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 भर जाता है, तो क्या होता है, नेचुरली ऐसे अभी बोलते बोलते भी जैसे कि फवारे निकल रहे हैं, राइट? तो ये सोने से पहले अगर डोपामाइन रिलीज हो जाता है, फील गुड हार्मोन, तो फिर उसकी रिजल्ट क्या होनी है, बढ़िया सी हाई क्वालिटी नींद आ जाती है। और जब हाई क्वालिटी नींद आती है तो फिर सुबह जल्दी पड़ती है, और जब सुबह जल्दी होती है तो सुबह भी हम एकदम फ्रेश, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी स्लीप से हम फ्रेश उठते हैं। और फ्रेश उठने के बाद उसके बाद क्या करना है, वो भी परमात्मा ने बताया। परमात्मा ने बताया कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करो, ऐसा मेडिटेशन जिसमें मुझसे बातें करो। ऐसा मेडिटेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि बातें करो। सब मेडिटेशन बोलते हैं चुप हो जाओ, लेकिन ये मेडिटेशन बोलता है बातें करो। पर वो भी कैसी कैसी बातें, वो भी सिखाया कि कैसी बातें करनी है। परमात्मा ने बताया कि अपने गुण गाओ, मुझ में क्या क्वालिटी है वो गुण गाओ। और परमात्मा ने ये कहा कि आपको मुझ में क्या गुण दिखते हैं वो मुझसे बात करो। फिर ये करने से पहले बाद में ये भी सिखाया कि अगर हम खुश हैं तो जो हम हमें मिला है वो औरों को भी देना चाहिए, क्योंकि खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। तो सवेरे सवेरे उठकर जब सारे लोग सो रहे हैं, तभी ऐसे वातावरण में जो हमारे खुशी के वाइब्रेशंस होते हैं, जो भी वाइब्रेशन हमसे बाहर निकलते हैं, वो जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये खुशी सबके साथ बांटो, सभी को शुभ भावना दो, शुभ कामना दो। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, और तो ये देने की जो भावना है ना, वो भी हैप्पी हॉर्मोन्स के फवारे क्रिएट करती है। तो ये भी परमात्मा ने हमने हमको सिखाया। इसके बाद ये है कि तैयार होना है सुबह उठकर, तो वो भी किस किस तरह, मन का स्टेट कैसा होना चाहिए। परमात्मा ने कहा सोल कॉन्शियसनेस, ये शरीर के भान में रहकर सुबह सुबह तैयार नहीं होना है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो शरीर का भान माने कि आज मैं क्या पहनूं, ये टॉप ये बॉटम मैच होता है, कलर ये वो, नहीं आज ठंडी है, ये ज्यादा जो ठीक वाला है वो पहन लूं, और नहाने जाते हैं वो शैम्पू यूज करूँ या ये शैम्पू यूज करूँ, ये लोशन वो लोशन, लेने जाते हैं तभी भी इतने सारे क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, ये सारे जो थॉट्स चले वो वेस्ट थॉट्स हैं। ये वेस्ट थॉट्स बिन जरूरी ट्रैफिक और वेव्स क्रिएट करते हैं ब्रेन में, और फिर जो जो ब्यूटीफुल एनर्जी वाले थॉट्स नहीं होते हैं, वो ब्यूटीफुल फवारे क्रिएट नहीं करता है, सही? वो हमने सीख लिया। तो परमात्मा ने हमें ये बताया, और फिर बातें किसे करना है, कैसी बातें करनी है, वो भी सिखाया कि हैप्पी हैप्पी एनर्जी बूस्टिंग बातें करो, किसी के गुण के वखान करो, किसी से बात करते हैं तो उनकी क्वालिटीज को गिनाओ,
ऐसी बातें जिससे बात करने वाला और सुनने वाला दोनों खुश हो जाए। ऐसे बात कैसे करनी वो कौन सिखाता है आजकल? फिर बारी आती है खाने की, तो क्या खाना चाहिए? परमात्मा ने बताया हमें सात्विक फूड खाना चाहिए। तो सात्विक फूड कैसा होता है वो पहले हमने देख लिया आगे। तो सात्विक फूड खाना वो भी परमात्मा बताता है। और फिर उसको कुक कैसे करते हैं, इसका भोजन कैसे बनाएंगे, कैसे हाल में बनाएंगे, कोई बताएगा? किसी को पता है भोजन कैसे बनाना चाहिए? परमात्मा की याद रूहानी, में, परमात्मा की यस, याद में। परमात्मा की याद में। सही, उसको कहते हैं रूहानी रसोई। तो रूहानी रसोई मतलब कि परमात्मा आत्मा परमात्मा की याद में रहकर जो खाना हम बनाते हैं उसमें ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन भर जाते हैं। और क्योंकि जो खाना है वो भी प्रकृति के पांच तत्व वाला है, हम भी वो है, वातावरण भी वो है, तो ये सारे जो एक जैसे आ, आ, एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से ऐसे बढ़िया बढ़िया जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो ये हार्मोनाइज हो जाता है और फूड में भी जाता है, हमारे आसपास भी बढ़ता है। और इस तरह से एक सुंदर सा मेला, जैसे हार्मोनाइज मेला क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे भाव से बनाया खाना, फिर क्या करना आगे? आगे इसको खाने से पहले हमें भोग ऑफर करना, वो परमात्मा ने सिखाया कि भोग ऑफर करना मतलब उसका सही मायना क्या है। आज तक हम भोग ऑफर करते थे तो ऐसा भाव तो कभी नहीं किया था। परमात्मा ने सिखाया कि जब मेरे लिए आप भोजन लेके आते हो तो एक ये परमात्मा ने बढ़िया ट्रिक क्या की है पता है? वो हमारे और उसके बीच में फादर चिल्ड्रन का रिलेशनशिप बताया है। अब फादर चिल्ड्रन का रिलेशनशिप क्या है? हम देखे दुनिया में पेरेंट्स और चाइल्ड, कितना सुंदर रिलेशनशिप है ये, जहाँ पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं बच्चे को और बच्चा पेरेंट्स की छाया में बिल्कुल सेफ, कितना प्रफुल्लित रहता है, एकदम फ्री फ्लाइंग रहता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। और बच्चा, ये बच्चा जो है वो अपने जब बाहर भी जाते हैं कहीं भी तो अपने माँ बाप की नजरों से दूर नहीं जाएगा, पास पास ही रहेगा, जहाँ से उसका माँ और बाबा दिखाई दे। तो ये जो सुंदर रिलेशनशिप क्रिएट कराई है, तो जब परमात्मा कहते हैं मेरे पास भोग लेकर आओ, तो वो भी बातें करने की बात है। बातें करना बढ़िया सिखाया है कि भोग लगाते समय मुझसे बातें करो कि ये मैंने कैसे बनाया, ये आज तो मैंने आपके लिए ये बनाया, बनाते वक्त मैंने ये सोचा, आप ऐसे हो, मतलब कि इतने इतने परमात्मा के गुण हम अनुभव करें। और जो प्यार हमें मिल, ऐसी ऐसी बातें करने से नेचुरली हमारा जो लव हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होने लगेगा। तो क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हम नेचुरली हमारे रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाता है। तो ये जिससे ऐसी बातें करते हैं उससे रिलेशन बॉन्ड हो जाती है। तो ये कितना साइंटिफिक तरीका बताया है कि ऐसी बातें करने से ये होता है। मुझे नहीं लगता है कि परमात्मा कोई मेडिकल स्कूल में गए थे। तो ये हुई भोग ऑफरिंग की। थोड़ी और भी डिटेल है कि ऐसे जब भोग लगाकर खाना खाते हैं फिर वो भी फिर सेम थिंग, साइलेंस में खाए, टीवी देखते हुए ना खाए, टीवी में न्यूज़ वो सब जो चलता है उसके फिर मन में
ऐसे वाले थॉट्स क्रिएट होते हैं और जो हमारी जो स्थिति बनी हुई होती है हैप्पी फुवारे वाली वो डाउन हो जाती है। तो फिर हमने आगे देखा कि जो हैप्पी केमिकल्स है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब आप अभी समझ गए होंगे कि ऐसी वैसी बातें टीवी देखते हुए या पूरे संसार की बातें करते करते अक्सर करते ना हम फ्रेंड्स साथ में मिलकर, जैसे कि एक राउंड टेबल मीटिंग लगी है विश्व को सुलझाने की, ऐसा हर घर में सीन होता है आजकल। तो ये ऐसे जब खाना खाते हैं तो ये डाइजेशन हो इसका होगा कि नहीं होगा, इसको ज्यादा समझाने की मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत रही है। तो ऐसी जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, परमात्मा ने हमें इतना सारा ज्ञान दिया कि बातें कैसी करना, किससे करना, भोग करना, ऐसे सब। तो इससे होता क्या है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है हमारे ब्रेन से, और कहा जाता है कि जब ये बहुत पावरफुल होती है तो ये मेजर भी किया है, आजकल हर बात के रिसर्च होती है। लेकिन परमात्मा ने तो ये कब कहा था, आज अभी प्रूव हो रहा है ये सब, कि जैसे हम ऐसे वाइब्रेशंस में रहते हैं हम से एक ऊर्जा निकलती है और सभी को ये टच होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो कंटेजियस होती है, दूसरों को अफेक्ट करती है, एक दो को अफेक्ट करती है। तो ये ऊर्जा के बारे में कि अगर हम हमारी ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित करें या दूसरों की ऊर्जा से हम रोगग्रस्त हो जाए, हमें ये चूज करना है कि हमें, जैसे कोरोना काल में कई व्हाट्सएप मैसेज सबने पढ़े होंगे कि वाइब्रेट हायर देन द वायरस फ्रिक्वेंसी। आम लोग में जरा कोई किसी ने ऐसा स्टडी भी नहीं किया, लेकिन सारे लोग ये व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते थे। तो ये क्या है कि जो वायरस रोगग्रस्त एनर्जी है, रोग करने वाली, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उससे हायर फ्रिक्वेंसी पे हमारे ब्रेन में जब वाइब्रेशन चलते हैं तो वो वाली लो एनर्जी हमें टच नहीं कर पाती है। और परमात्मा ने मुरली में ये शब्द भी कितने क्लियर कट बताया है कि जिनके ऐसी जो सेवा था, कोई भी है जो ऐसी भी सेवा करे, वो दिन रात जो परमात्मा ने बताए हुए सेवा के कार्यक्रम को करते रहते हैं, वो सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। और उनके संपर्क में रहने वाले या संबंध में आने वाले ये समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि शीतल की शक्ति, जैसे कि शांति के झरने के नीचे बैठे हो। तो ये तो कितनी सुंदर बात हो गई कि ऐसी अवस्था अगर हम बनाए, ऐसे विचार इतने ब्यूटीफुल वाइब्रेशन क्रिएट करें कि हमारी शांति दूसरे सभी को जैसे लगे कि हम इसके झरने के नीचे बैठे हैं। कितना ब्यूटीफुल। तो परमात्मा जब हमें रोज सुबह मुरली सुनाते हैं तो बार बार साइंस और साइलेंस की कंपैरिजन करते हैं। तो साइंस की तो बातें हमने बहुत देखी है, अनुभव भी करते हैं। देखते हैं साइलेंस की शक्ति क्या है। साइलेंस की शक्ति, तो परमात्मा ने कहा है कि कॉन्स्टेंटली अपने जो गुण है उसके अनुभव में रहो। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया तो उसमें हम बताया कि जो आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर मन और आत्मा तीनों अलग अलग पहलू है, और जो रियल एंटिटी है ये शरीर नहीं है ना ये नाम है, लेकिन जो अनुभव करती है, जो वाइब्रेट करती है, जो दूसरों को प्रभावित करती है, वो एनर्जी है, वो आत्मा है। तो हमारी रियल जो पहचान है वो परमात्मा ने कराई। परमात्मा ने वो भी दिखाया कि वो क्या है,
वो उसका हमारा रिलेशन क्या है, जैसे पहले बताया कि फादर चिल्ड्रन का रिलेशन, तो ये सारा ज्ञान। फिर हमारा जो आत्मा है, तो अभी इतनी सारी जो बातें हेल्दी बॉडी के लिए, परफेक्ट हेल्थ के लिए, जो सारे मेडिसिनल सिस्टम ने भी हेल्थ की डेफिनेशन जो बताई कि ना सिर्फ माइंड बॉडी की हेल्थ लेकिन सोल ब्लीसफुल रहना चाहिए, तो आत्मा ब्लीसफुल रहे ऐसी हेल्थ, तो वो कैसे, उसके सारे गुण हमने देखे पहले कि जो हैप्पी हॉर्मोन्स है उससे क्या क्या फील होता है, अनुभव होते हैं, तो नेचुरली गुण कैसे होने चाहिए इसमें, तो इट्स लाइक अ नो ब्रेनर कि हम एक शांत आत्मा है। फिर इतने ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन हमें खवारे करने हैं, तो प्रेम भी तो होना ही चाहिए, और फिर पवित्रता प्योरिटी, जब ये इतने सारे नेगेटिव थॉट्स वेस्ट थॉट्स सब निकल गए, तो बाकी क्या बचा, एकदम प्योर पॉजिटिव सकारात्मक तार बची, तो ये है पवित्रता। और जब ये सब होता है तब हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ये है आत्मा के गुण, कितना एकदम लॉजिकल बैठता है साइंस के हिसाब से और साइलेंस के हिसाब से और परमात्मा के हिसाब से। तो हम जब ये पांच गुण है हमारा, इसके सिवा कुछ भी और अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब कि हम हमारे जो गुण है उसमें नहीं है, और हमें कुछ करना चाहिए उसको चेंज करने के लिए। तो आगे देखेंगे कि जब हम हमारा जो ये रिलेशनशिप है फादर चिल्ड्रन का, तो ये भी हमने अनुभव किया दुनियावी एग्जाम्पल के साथ कि सदा हम हमारे पेरेंट के साथ ही रहना चाहते हैं, उसकी नजरों में रहना चाहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। तो हम इतने बड़े हैं, चाहे किसकी शरीर की उम्र जो भी हो, लेकिन परमात्मा ने हम सबको बच्चा, एक सखा बच्चा बनाया है। तो जब हम बच्चे के भाव में रहते हैं और वो हमारा फादर है ऐसे भाव में रहते हैं, तो नेचुरली हमें उसकी छत्र छाया का अनुभव होता है। और जब हम ऐसे रहते हैं तो हमारी जो आत्मा के गुण, अभी हमने देखे पांच, वो भी हम सहजता से अनुभव कर सकते हैं, और पीस प्योरिटी ब्लीस जॉय ये सब हमें कॉन्स्टेंटली जब अनुभव हो, तो मन में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो ब्रेन को कहेगी कि हैप्पी हॉर्मोन्स के फवारे उड़ाओ, राइट? तो परमात्मा ने हमें ये हमारे गुण का नॉलेज के साथ साथ एक और भी अवेयरनेस दी है कि 8 डिवाइन पावर्स दिए हैं। ये जो सारी शक्तियां हैं, ये इसका हमें कब पता चलेगा कि जब हम ज्ञान को, जो रोज रोज जो ज्ञान हम सुनते हैं उसका डीप लर्निंग करेंगे, बराबर घुस के बाबा क्या बोलते हैं, वो हमारा बाबा है, फादर है, उसने क्या बोला आज, मुझे आज क्या करने को बोला, जब हम इसके साथ कनेक्ट करके बच्चा बन के सोचेंगे कि आज मुझे क्या करना है, और बच्चा माने कि सोल कॉन्शियसनेस, तो सब जब हम आत्मा के ये सिर्फ पांच गुण में रहते हैं, ना हमारे में कोई लोभ है, ना मोह है, ना अटैचमेंट है, कुछ भी हमारे और कोई पर्पस नहीं है, तो ऐसी जब अवस्था में हम रहते हैं, तो ये सारी आठों जो शक्तियां हैं वो हमें कब हमारे में जागृत करनी है, कब कौन सी पावर का यूज करना है, वो सब मालूम पड़ जाता है। तो ये भी एक बढ़िया सा है कि, तो ये जब हमें ये नॉलेज होगा कि कब हमें सहन करना है,
जैसे कि सारे हमारे आसपास के लोग हैं, तो उनसे जब हम डील करते हैं तो हमें सहन कर लेना चाहिए। जब हम सहन करते हैं तो सामने वाला भी क्वाइट हो जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और कब हमें सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, ये सारा बहुत डीप का नॉलेज हो सकता है। फिर कभी हम चांस मिले तो करेंगे। और ये पूरा तो जैसे हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन परमात्मा ने हमें ये मुख्य चार टाइप की शक्ति दी है। जैसे कि फादर इनहेरिटेंस देता है बच्चों को, परमात्मा हमारा फादर है तो हमें तन की, मन की, धन की और संबंध की शक्तियां दी है। तो मतलब जब हम हमारे आत्मिक गुण में रहते हैं, किसी में किसी की भी बात में हमारा मोह नहीं होता है, ना कोई वस्तु में ना कोई व्यक्ति में, जब खाते भी हैं वो भी आत्मिक अवस्था में, और सारा जो काम करते हैं, पहले भी हमने बताया कि कर्म योगा जब करते हैं कि काम करते करते भी आत्मिक स्थिति, आत्मा परमात्मा के साथ का अनुभव, ऐसे जब काम करते हैं तब हमारा नेचुरल है ना कि जो बॉडीली कंप्लेंट्स होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो हम जानते हैं साइंस भी क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये जो चार हैप्पी केमिकल्स है वो रिलीज होते रहेंगे तो तन हमारा शांत रहेगा। फिर मन की शक्ति, वो भी नेचुरल है कि मन सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स क्रिएट करता जाएगा, और जब ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स ही क्रिएट करता है मन, तब हमारे थॉट्स की क्वालिटी एकदम बेस्ट एलिवेटेड हो जाती है। और कईयों को अनुभव भी होता है कि जो थॉट्स वो करते हैं वो उसको पाते हैं। तो ऐसी जब एक रस अवस्था होती है हमारी, तब हम ऐसी तन मन धन, धन वो ज्ञान का धन है, और जब हम ऐसे ब्लीसफुल रहते हैं तो हमसे सारे आसपास के सब संबंध वो भी हैप्पी रहते हैं, और हमारे संबंध की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जब हम हमारे गुण में रहते हैं, पांच गुण है हमारे, ज्ञान और शक्ति का अनुभव करते हैं और परमात्मा के साथ ही रहते हैं, तो हम भी लाइट स्वरूप हो जाते हैं, और हमारी ये जो जीवन नैया है वो अपने आप ही सही दिशा में चलती रहती है। तो आप सब लोग अभी मुझसे अग्री करोगे राइट, कि सही में परमात्मा जो है वो एक ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। तो रिसर्च इस तो अभी अभी हो रही है बहुत चीजों की, मशीन्स भी होते हैं जो ब्रेन की तरंगों को भी मेजर करते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये सारी चीजें जो हमने परमात्मा ने सालों पहले बताई, ये अभी प्रूव होने से पता चलता है कि ये कितना मायना रखता है ये सब। तो हम तो चाहेंगे कि जितने लोग सुनते हैं वो जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि यस दिस इज समथिंग आई वांट टू जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुमारो। तो जो परमात्मा की गाइडलाइंस है उसको श्रीमद् बोलते हैं। वो श्रीमद् जब हम फॉलो करते हैं, जो दिनचर्या की गाइडलाइन है, क्या खाना, क्या पीना, क्या सोचना, ये सारी जो गाइडलाइंस है श्रीमद् है, तो उसको फॉलो करते रहने से हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी बन जाता है, हार्मोनियसली चलता है। और जब ये माइंड बॉडी का कनेक्शन एकदम स्मूथ हार्मोनी से चलता है, तो उसको चलाने वाली जो शक्ति है, पहले हमने देखा कि मन आत्मा का रिफ्लेक्शन है, तो जब मन स्टेडी
आत्मा स्टडी, मन स्टडी, और मन की क्वालिटी, आत्मा क्वालिटी जब एक हो जाती है तो ये ब्लीसफुल स्टेट बन जाता है। तो सही में हम क्लियरली कह सकते हैं कि हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के मेडिटेशन में रहते हैं। ये मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे बैठे ही किया जाए, ये मेडिटेशन ऑन गोइंग मेडिटेशन, बैठते सोते उठते कर्म करते हर घड़ी, जब हम ये कनेक्शन में होते हैं सुप्रीम के साथ के अलग अलग रिश्तों से, जब हम उसके साथ में रहते हैं तो हमारे रिश्तों के जो सेटिस्फेक्शन होते हैं वो भी हमें मिल जाती है। ये हमारा सुप्रीम फादर भी है, उससे हम लव पाते हैं, प्यार पाते हैं, उसका गाइडेंस पाते हैं, और उसकी जो केयर है उसकी छत्र छाया के नीचे हम हमेशा महफूज अनुभव करते हैं। और जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो नेचुरल ब्लीसफुल स्टेट हो जाता है, और जो हैप्पी केमिकल्स के फवारे हैं वो जब जब होने जरूरी होते हैं तब तब होते रहते हैं, और हमारी हेल्थ जैसे सारी हेल्थ डेफिनेशंस में बताई गई है बिल्कुल उसी तरह से मैच हो जाती है। तो ये था कैसे हम हमारे अपने हेल्थ एक्सपर्ट बने, इसका थोड़ा सा ब्रीफ।
दो।